आपको जो पक्की खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि अशोक महतो जो कि कुशवाहा बिरादरी से अपना ताल्लुक रखते हैं, अशोक महतो, हाँ वही अशोक महतो जो मुंगेर लोकसभा के चुनाव लड़ना चाहते हैं, वही अशोक महतो जो हिस्ट्री सीटर के नाम से जाने जाते हैं, बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं, दो जाति के वर्चस्व है, एक तरफ अखिलेश सिंह का गैंगुट और दूसरी तरफ अशोक महतो का गैंग, तो दोनों तरफ से गैंगवार होता था जिसमें 7 लोगों को मरने की सूचना मिली थी और उस पर उनके खिलाफ 7 लोगों को मरने की साजिश और मुकदमा दर्ज कराया गया था। आपको बता दें कि अशोक महतो 17 साल बाद जेल से आए और जेल से आने के बाद उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। हालांकि लालू प्रसाद यादव उनको टिकट दे कैसे, तो उस पर क्या हुई कि अशोक महतो को कहा गया कि आप चुनाव लड़िए, चुनाव लड़िए, पहले शादी करिए उसके बाद चुनाव लड़िए, तो उन वह सजायाफ्ता है इसलिए उनको चुनाव नहीं लड़ सकते, तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ेगी। उनकी पत्नी जो है उनकी शादी फाइनली दिल्ली में हो गई है और शादी जब वहाँ से होकर तब आएगी। उनकी पत्नी का नाम है अनीता मेहता, कुमारी अनीता मेहता, जो कि वह एक बाइट दे रही थी, इंटरव्यू दे रही थी, उसमें कह रही थी कि सरकार हमारे सपोर्ट में, हमारे लोगों की जनता का था प्यार और स्नेह मिल रहा है, तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा चुनाव लड़ेगी तो देखना ये भी दिलचस्प होगा कि वहाँ के सांसद जदयू के वरिष्ठ नेता जो कि मुंगेर के सांसद अभी है ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि ललन सिंह के खिलाफ क्या नतीजा आएगा इस पे हम बाद में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको बता देते हैं कि ललन सिंह के खिलाफ मजबूती के साथ वहाँ लड़ेगी, जिसमें आपस में दो बाहुबली लड़ते थे, एक तरफ मुंगेर सांसद ललन सिंह और दूसरी तरफ अनंत सिंह, दोनों आपस में लड़ते थे, लेकिन यहाँ एक तीसरा विकल्प के रूप में अशोक मेहता का नाम आ रहा है और अशोक मेहता चुनाव लोकसभा जो है वो कि ललटेन से लड़ेंगे। तो कैसी लगा खबर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और जो भी अपना प्रतिक्रिया होगा प्रतिक्रिया दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त अगले वीडियो में अगले खबर के साथ। धन्यवाद।